हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगली नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 242। ध्यान दें, हमारा विषय है शब्द रूप। देखेंगे इसके संबंध में प्रश्न। तो ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, ठीक है। ध्यान दें कौन कौन से। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन डी, 2। व्यवहार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से तो देखते हैं। ध्यान दें दोस्तों, शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। किस किस आधार पर? तो ध्यान से देखना, शब्दों के भेद हमने पढ़े थे 4 होते हैं, ठीक है। अब देखें पांचवा कौन सा होता है, ध्यान से सुनना। अब तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? सार्थक होते हैं और निरर्थक होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कैसे होते हैं? सार्थक और निरर्थक। रचना या बनावट के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं भेद? तो 3 होते हैं, हमने पढ़े थे। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक के भी हमने 2 पढ़े थे, शुद्ध यौगिक, ठीक है, और क्या था दूसरा? संकर यौगिक, ठीक है। तो ध्यान रखें, फिर है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत, ठीक है, उत्पत्ति शब्द भी आ सकता है, स्रोत भी आ सकता है, ध्यान रखें। इसके आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 भेद होते हैं, ठीक, शब्द के। और पांचवा भेद होता है संकर, ध्यान रखें संकर, ठीक। फिर है चौथा व्याकरणिक प्रकार, व्याकरणिक प्रकार, इसके आधार पर कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखें 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी के मैंने बताए थे 4 और अविकारी के भी बताए थे 4, ठीक है। तो ध्यान रखें व्याकरणिक प्रकार के आधार पर विकारी शब्द कितने होते हैं, सॉरी, के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 2, विकारी और अविकारी, ठीक। फिर है अर्थ की दृष्टि से, ध्यान से सुनना, अर्थ की दृष्टि से ध्यान देंगे दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, समानाभासी शब्द, युग्म, ये सभी होते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको 4 बताए थे, 2 और जोड़ेंगे आप अलग से। कौन से? एक जोड़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कि शब्दांश, ठीक, और दूसरे समानाभासी। समानाभासी को हम एकार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखें, दोबारा सुने, अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। पर्यायवाची को और क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं समानार्थी। विलोम शब्द को क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। अनेकार्थी, फिर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कि वाक्यांश, शब्दांश, ठीक है, ध्यान रखें, शब्दांश नहीं वाक्यांश, वाक्यांश बोलेंगे, ठीक। फिर है एकार्थी या फिर समानाभाषी शब्द, ये होते हैं अर्थ की दृष्टि से। इनके अतिरिक्त व्यवहार में, व्यवहार की अगर बात की जाए, दोस्तों देखो कहां से प्रश्न बनाए, क्या जबरदस्त है, ध्यान दें। व्यवहार में 2 तरह के शब्द भी प्रयोग होते हैं, कौन कौन से? तो ध्यान दें, एक होता है सामान्य शब्द और एक होता है तकनीकी शब्द। कौन कौन सा? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द, ठीक। अब ध्यान दें, जो शब्द सामान्य रूप में दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होता है, वे सामान्य शब्द होते हैं, ठीक। जो शब्द सामान्य रूप में दैनिक जीवन में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे सामान्य शब्द होते हैं। जबकि वे शब्द जो किसी विशेष विषय यथा विज्ञान, जो ध्यान से सुने, जो किसी विशेष विषय
यथा विज्ञान, व्यवसाय इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं और उनके विशेष अर्थ भी निकलते हैं, उन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, जो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं दोस्तों एक पर्टिकुलर विषय के लिए। ठीक है, यथा विज्ञान यानी विज्ञान के लिए, ठीक है, या फिर व्यवसाय के लिए, तो टेक्निकल वर्ड। ठीक है, जैसे हर किसी फील्ड की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि डॉक्टर्स की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, साइंटिस्टों की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक, इंग्लिश वालों की अपनी लैंग्वेज है, तो ये होते हैं हमारे तकनीकी शब्द। ठीक, ध्यान रखेंगे तो व्यवहार के आधार पर कितने हो गए शब्द, दो हो गए, कौन कौन से, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के समय में भारत में न्यायालयों की भाषा क्या थी। ठीक है, तो मुस्लिम शासक क्या बोलते थे, उर्दू बोलते थे। ठीक है, और उर्दू किसकी है, फारसी की है। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब देखो ऑप्शन में उर्दू भी है और अरबी फारसी भी है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, अरबी फारसी को। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज है, अरबी फारसी क्या है, लिपि है। ठीक, तो ध्यान रखें, मुगल काल में अरबी फारसी, ध्यान से देखें व्याख्या, अरबी फारसी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, यह शिक्षा का माध्यम होने के साथ साथ राजकीय कार्यों, न्यायालयों एवं सरकारी कामकाज की भाषा भी थी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी। ठीक, तो मुगल काल में अरबी फारसी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था पहली बात, और यह शिक्षा का माध्यम तो थी ही थी, और साथ में हमारी ऑफिशियल यानी कि राजकीय कार्यों, न्यायालयों एवं सरकारी कामकाज की भाषा भी थी। ठीक है, ध्यान रखें, गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन डी तुर्की, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची, ध्यान रखेंगे, इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं। देखें ध्यान से सुनना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है, गौर करें, कैंची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चमचा, चुगुल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि, ये सभी किसके शब्द हैं, तुर्की भाषा के। ठीक है, एक बार फिर से सुने, कैंची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चमचा, चुगुल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करना दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्या है, अचार, अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन ए पुर्तगाली भाषा से, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अचार। ठीक है, और हमारे हिंदी में तो बहुत ज्यादा अब इस्तेमाल होता है। ठीक, देखें व्याख्या, अचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं, ध्यान दें, जैसे काफी, काफी हम बोलते हैं, ठीक है, तो काफी, काजू, पपीता, आलपिन, ठीक है, काफी, ये कॉफी होगा दोस्तों जहां तक है। ठीक, तो काफी, अब ये नहीं पता कौन सा वाला काफी है ये, ठीक, तो काफी याद रखें आप, काजू, पपीता, आलपिन, आलपिन अलमारी, ठीक है, अलमारी, गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज, कमरा, बम्बा, बाल्टी, तंबाकू, तौलिया, नीलाम, पादरी, संतरा इत्यादि, ये सभी कैसे शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। एक बार फिर से सुन ले, पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं, ध्यान दें, काफी, काजू, पपीता, ऑलपिन, अलमारी, आलमारी, गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज, कमरा, बम्बा, बाल्टी, बम्बा पता है ना किसे कहते हैं, जो ट्यूबवेल होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं एक तरह से बम्बा, ठीक, जहां से ज्यादा पानी बहता है। ठीक, तो बाल्टी, तंबाकू, तौलिया, नीलम,
पादरी, संतरा इत्यादि, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन सी अलमारी। अलमारी कह रहे हैं कि तुर्की शब्द है, जबकि ये कैसा है? पुर्तगाली शब्द है, ध्यान रखें। तो और भी ऑप्शन देखें, ये अशुद्ध है तो बाकी शुद्ध होंगे। तो सौदागर कैसा? फारसी शब्द है। समन अंग्रेजी शब्द है। किताब अरबी शब्द है, ठीक, जबकि अलमारी तुर्की नहीं पुर्तगाली शब्द है। तो ऑप्शन सी गलत है प्रश्न के अनुसार, ठीक। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, अलमारी, गोभी, अनानास, स्त्री, स्त्री कौन सी? प्रेस, ठीक है, आयरन को बोलते हैं। इस्पात, कप्तान, कमरा, काज, काफी, काजू, गमला, गोदाम, पिस्तौल, आलपिन इत्यादि, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। कौन कौन से? अलमारी, अलमारी, गोभी, अनानास, स्त्री, इस्पात, कप्तान, कमरा, काजू, काफी, काजू, गमला, ठीक है, सॉरी काज है ये, काजू नहीं, काज, काजू इधर है, ठीक। फिर गमला, गोदाम, पिस्तौल, आलपिन इत्यादि पुर्तगाली शब्द हैं। अब ध्यान से सुने अंग्रेजी शब्द, गौर करेंगे दोस्तों। समन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, काउंसिल, फीस, डिक्री, शेयर, अपील, पॉलिसी, वारंटी, रेल, जूरी, टैरिफ, रजिस्टर, बैंक, चेक, ड्राफ्ट, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी शब्द हैं दोस्तों अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, अंग्रेजी शब्द हैं। फिर है सौदागर, कारीगर, जादूगर, कलईगर, यानी कि जिनके अंत में गर लगा है, ध्यान रखें, गर कॉमन वर्ड है। सौदागर, कारीगर, जादूगर, कलईगर इत्यादि, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं, ध्यान रखें। फिर है किताब, हाकिम, हिरासत, फैसला, मुनसिफ इत्यादि, ये सभी कैसे शब्द हैं? अरबी शब्द हैं। अरबी शब्द कौन कौन से? किताब, हाकिम, हिरासत, फैसला, मुनसिफ इत्यादि अरबी शब्द हैं, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, ध्यान दें। आलपिन, आलपिन और गमला, ये कैसे शब्द हैं? कैसे विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली शब्द हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है, आलपिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील शब्द है किसका? ऑप्शन बी अरबी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है वकील। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है, किसका? अरबी भाषा का, ठीक है। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दें। अजब, अदा, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अवल, अक्ल, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औलाद, कसूर, कसूर, कसूर नहीं, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किश्त, किस्मत, किस्सा, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र और जिहिन इत्यादि कैसे शब्द हैं? अरबी शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लें, ध्यान दे दोस्तों, वकील, वकील अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें। अजब, अदा, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औलाद, कसूर, कदम,
कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त, किस्मत, किस्सा, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, सॉरी कुर्सी, हाँ ठीक है, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, जिहन इत्यादि, ये सभी अरबी शब्द हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। अगला बिंदु है तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तय, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, दावा, दावत, दफ्तर, दफ्तर, दगा, दुआ, दफा, दलाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, दीन, नतीजा, नशा, नाल, नकत, नकल, नहर, फकीर, फायदा, फैसला, बाज, बहरू, बाकी, मुहावरा, मदद, मुद्दई, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मुनसिफ, मालूम, मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्ल है, मवाद, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, तिहाज, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, लियाकत, वारिस, वहम, शराब, हिम्मत, हैजा, हरामी, हद, हज्जाम, फिर है हक। अभी देखें और शब्द, तो ध्यान दे दोस्तों, हज्जाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हाशिया, हाकिम, हमला, हवालात, हौसला इत्यादि, ये सभी कैसे शब्द हैं? अरबी शब्द हैं। ध्यान रखेंगे, अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है? तो ध्यान रखें, वीडियो को रिपीट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार आप इसे खुद से भी पढ़ लें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए कबूतर। कबूतर किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है कबूतर। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। कबूतर, अफसोस, अदा, आराम, आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुर्ता, पायजामा, मौजा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल, चूड़ी, बर्फी, जलेबी, हलवा, बादाम, अनार, अंगूर, अंजीर, अंदाज, आजाद, शिकायत, सिफारिश, जिंदगी, चश्मा, जमीन, हजार, नापसंद, नौका, बस्ता, हुनर, मजा, सब्जी, रेशम, सर्दी, खरगोश, कारखाना, परगना, तहसील, जिला, शहर, देहात, कस्बा, साबुन, आईना, कुर्सी, तख्त, मेज, बुखार, नमाज इत्यादि, ये सभी कैसे शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन डी अंगूर। अंगूर फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है? ध्यान रखें, फलों के निम्नलिखित नाम है आम, केला, जामुन, जिसमें से अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। अगला शब्द है, ध्यान दें, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो नहीं है वाला प्रश्न है। ऑप्शन डी तारीख। तारीख फारसी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है? तो हमने जो अभी व्याख्या की उसमें आपने पढ़े होंगे शब्द, ठीक है? तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें, उद्गम की दृष्टि से, सॉरी एक बार फिर से सुने, उद्गम की दृष्टि से अमीर, अमीर कैसा शब्द है? तो ऑप्शन डी तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, ठीक है? ध्यान दें, उद्गम की दृष्टि से
अमीर विदेशज शब्द है। कैसा? विदेशज शब्द है और यह है अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी शब्द है, जबकि हिंदी भाषा में यह तद्भव शब्द के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पर, अगर ये ऑप्शन डी में थोड़ी सी दिक्कत है, अमीर अमीर विदेशज शब्द है इन्होंने कहा, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ठीक है, डी नहीं, ठीक, ऑप्शन बी विदेशज शब्द है, ठीक, अरबी शब्द है, कौन सा, अमीर। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, तो ऑप्शन ए रोशनदान, रोशनदान विदेशी स्रोत का शब्द है। देखें प्रश्न की व्याख्या, रोशनदान फारसी शब्द है, कैसा शब्द, फारसी शब्द, अन्य फारसी शब्द हैं, ध्यान दें कौन कौन से, शादी, शिकार, बाजार, बर्फ, जादू, चपरासी, कसूर, कारनामा, नमक, फैसला आदि, कौन कौन से, ध्यान देना, शादी, शिकार, बाजार, बर्फ, जादू, चपरासी, कसूर, कारनामा, नमक, फैसला आदि, ये सभी कैसे शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, ठीक। फिर है आलस तथा आज, आलस और आज ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द हैं तद्भव शब्द, ये दोनों तद्भव शब्द हैं, ठीक। उलूक कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी कूपन, कूपन अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, तो देखें ध्यान से व्याख्या, लालटेन, रेल, इंच, ये तीनों शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लालटेन, रेल और इंच, जबकि कूपन, कारतूस और कूपन कारतूस तथा अंग्रेज फ्रांसीसी यानी कि फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, कौन कौन से, कूपन, कारतूस और अंग्रेज, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो ये शब्द है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा का, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है, गौर करें, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, शब्द कौन सा, ऑप्शन डी बूंद, बूंद विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, बूंद कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बिंदु है, इसका तत्सम क्या है, बिंदु, तद्भव शब्द है बूंद और तत्सम शब्द है बिंदु, ठीक। गमला तथा कमीज, गमला तथा कमीज पुर्तगाली शब्द हैं, कैसे शब्द, पुर्तगाली शब्द हैं दोस्तों। औरत कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, औरत कैसा शब्द है, अरबी शब्द, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, गौर करना, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी, बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, तो ऑप्शन डी विदेशज शब्द है बाल्टी, ठीक है, विदेशज शब्द, देखें व्याख्या, ध्यान देना दोस्तों। अगला शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी कैसा शब्द है, विदेशज यानी पुर्तगाली शब्द है, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, ध्यान दें, संतरा, साबुन, तौलिया आदि पुर्तगाली शब्द हैं, संतरा, साबुन, तौलिया कैसे शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द। फिर है बजट, स्वेटर, फीस, टाई, कर्फ्यू आदि कैसे शब्द हैं, विदेशी शब्द, बजट, स्वेटर, फीस, टाई, कर्फ्यू, विदेशी शब्द। फिर है दोस्तों, दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। लो डाउट भी क्लियर हो गया, ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों, एक बार फिर से सुने, दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्दों को हम कहते हैं संकर शब्द, ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों।
फिर है टिकट घर, अगला बिंदु टिकट घर, अंग्रेजी और हिंदी जैसे देखो संकर शब्दों के उदाहरण है। टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, मिलकर बना टिकट घर। ऐसे ही रेल धन गाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, रेल गाड़ी बन गया। ऐसे ही अजायब घर, अजायब अरबी का शब्द है और घर क्या है हिंदी का शब्द, तो बन गया क्या अजायब घर। ऐसे ही अणु बम ठीक है, अणु क्या है संस्कृत का शब्द है, बम किसका है ये अंग्रेजी का शब्द, अणु बम। फिर है सिनेमा घर, ठीक है अंग्रेजी और हिंदी का शब्द है। ऐसे ही माल गोदाम, कपड़ा मिल इत्यादि, ये सब क्या है संकर शब्द है दोस्तों, संकर शब्द। एक बार फिर से सुन ले सभी संकर शब्दों को, ध्यान दें दो भाषाओं के योग से बनते हैं ये बात स्पष्ट है। अब ध्यान दें टिकट घर अंग्रेजी हिंदी के शब्द हैं, रेलगाड़ी अंग्रेजी हिंदी के, ठीक अजायब घर अरबी हिंदी के, अड़ुबम संस्कृत अंग्रेजी के, फिर है सिनेमा घर अंग्रेजी हिंदी के, माल गोदाम कपड़ा मिल, ये सभी संकर शब्द हैं। ध्यान रखें हिंदी केवल हिंदी भाषा ही नहीं होगी, दूसरी भाषा कोई भी दो भाषाएं हो सकती हैं संकर शब्द के लिए, ठीक तो ये बात भी ध्यान रखें। गौर करें दोस्तों अगला बिंदु है, ध्यान दें फिजूल खर्च, फिजूल खर्च किसका शब्द है अरबी फारसी शब्द है फिजूल खर्च। ऐसे ही बीमा पॉलिसी, फारसी और अंग्रेजी शब्द है बीमा पॉलिसी। ऐसे ही पार्टीबाजी, पार्टीबाजी अंग्रेजी फारसी का शब्द है। ऐसे ही जेल खाना अंग्रेजी फारसी का शब्द है। फिर है डाक खाना अंग्रेजी फारसी का शब्द है। ये सभी कैसे शब्द हैं संकर शब्द हैं। मेरी सलाह से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, ठीक है। गौर करें दोस्तों अगला शब्द है बाल्टी, बाल्टी कैसा शब्द है ऑप्शन डी विदेशज शब्द है बाल्टी। ध्यान रखें बाल्टी कैसा शब्द है विदेशज शब्द है बाल्टी। अगला प्रश्न है ध्यान दें अजायब घर, अजायब घर कैसा शब्द है दोस्तों, तो ऑप्शन डी संकर शब्द है अजायब घर, संकर शब्द है अजायब घर, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करें दोस्तों अगला शब्द है क्या संकर शब्द, संकर शब्द का क्या अर्थ है, तो संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं से, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने एक शब्द को हम कहते हैं संकर शब्द। देखते हैं इसके अन्य ऑप्शन, तत्सम नहीं है तद्भव भी नहीं है, तो गौर करें दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को हम क्या कहते हैं संकर शब्द कहते हैं, ठीक है ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो ऑप्शन डी संकर शब्द है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसा शब्द है संकर शब्द, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है ध्यान दें जमादार, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी उत्पत्ति, ठीक है कुछ भी शब्द आ सकता है प्रश्न में, ध्यान रखना स्रोत भी आ सकता है उत्पत्ति भी, तो ध्यान से समझेंगे इन बातों को, ठीक है यही फंसाते हैं स्टूडेंट को, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक तो जमादार शब्द स्रोत के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर किस वर्ग का शब्द है, तो ऑप्शन डी संकर शब्द है, कौन सा जमादार, जमादार संकर शब्द है। देखें व्याख्या जमादार कैसा शब्द है संकर शब्द है दोस्तों, यह है जमा यानी कि अरबी और दार यानी कि फारसी, जमादार अरबी और फारसी शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है ध्यान दे दोस्तों कौन सा प्रश्न है रिपोर्टाज, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज शब्द है ऑप्शन ए फ्रांसीसी भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, ध्यान रखेंगे ठीक है, इंग्लिश में इसे रिपोर्ट कहते हैं, ठीक रिपोर्टाज फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच भाषा, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, फ्रांसीसी भी हो सकता है फ्रेंच भी हो सकता है, तो दोनों बातें याद रखें एक ही बात है, ठीक इस भाषा का शब्द है।
गौर करेंगे दोस्तों, रिक्शा, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शन डी, जापानी भाषा। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। ध्यान रखेंगे, व्याख्या में भी यही बात है, रिक्शा किसका शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।